अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। मैं ये चाहता हूं कि उस चेहरे को आपके सामने लाऊं, वो चेहरा जिसको आपने टीवी पे हमेशा फिरका परस्तों से लड़ते देखा है, सच को सच कहते देखा है। मैं चाहता हूं कि दो मिनट के लिए मौलाना अंसार रजा साहब, जो गरीब नवाज फाउंडेशन के फाउंडर हैं और हमारी मोहब्बत में दिल्ली से मुंबई तक तशरीफ लाए हैं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि अपने दुआया कलिमात से नवाजें। इसके बाद मैं सीधे सीधे आपको स्वामी जी से जोड़ दूंगा। सलाम अलैकुम। सलाम का जवाब देना नहीं जानते आप लोग? दोस्तों, बुजुर्गों, मैं पहली बात तो बता दूं कि मैं मुशायरे का आदमी नहीं हूं। ये तो जमील साहब की मोहब्बत थी कि उन्होंने हुक्म दिया कि नदीम फर्रुख साहब का जश्न मनाया जा रहा है, उसमें शिरकत करनी है, तो मैं हाजिर हो गया। आज हम सबके लिए बेपनाह खुशी की बात है कि एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे स्टेज पर मौजूद है और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को अपना वक्त काट करके उनको सुनना चाहिए, इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा माहौल हिंदुस्तान को दिया जाए। वो हर आदमी माहौल नहीं दे सकता है जो आज आपके स्टेज से जाएगा। दूसरा, अभी मुख्तसर सी गुफ्तगू मोहतरम अवार्ड साहब की मैंने सुनी। मैं एक बात बता दूं आपसे कि जब तक ऐसे लोग इस मुल्क में हैं, इस मुल्क को नजर नहीं लग सकती। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मैं एक शेर से, मेरा अपना नहीं है, मैं किसी के शेर से अपनी बात को शुरू करता हूं। नदीम भाई, सबसे पहली बात तो यह है, फर्रुख साहब, आज के जमाने में बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि लोग दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं। ये बंबई के लोगों का कलेजा है, ये उत्तर प्रदेश का धड़कता हुआ दिल है कि आज आपकी खुशी में दो सूबे शामिल हैं और पता नहीं कितने लोग इसमें शामिल होंगे कि उन्होंने इतना बड़ा मौका हमें फराहम कराया कि आपकी खुशी में हमें शरीक किया। ये बहुत बड़ी बात है। मुल्क जिस दहाने पर खड़ा है वो आपको मालूम है। किसी ने कहा था कि शौक को आजमे सफर रखिए, बेखबर बन के सब खबर रखिए। शौक को आजमे सफर रखिए, बेखबर बन के सब खबर रखिए। और ये शेर बंबई से लेके दिल्ली तक पहुंचाना चाहता हूं, और अगर शेर पहुंच जाए तो आपकी ताईद मिलनी चाहिए, आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। स्टेज से लेकर के जहां तक आदमी खड़ा है वहां तक हाथ उठा के ताईद मिलनी चाहिए कि शौक को आजमे सफर रखिए, बेखबर बन के सब खबर रखिए, और चाहे नजरें हो आसमानों पर, पांव लेकिन जमीन पर रखिए। दोस्तों, ये मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है, मगर हमें कहां लाकर के शाम को 5 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक खड़ा किया जाता है, ये हम जानते हैं, हमारा कलेजा जानता है, या मुल्क के वो सेकुलर लोग जानते हैं, वो उन्हें पता है कि मुल्क किस दहाने पर खड़ा हुआ है। लेकिन अभी ये फूल है हमारे हाथ में, हमारे यहां इसको गेंदे का फूल कहते हैं। इसकी जो ये नीचे का जो हिस्सा है ये हरा है, इसे हम अपना कलर मानते हैं,
और ये ऊपर की जो पत्तियां हैं ये आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब का मजहब अपना कलर मानता है। बहुत तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा। ये गुलदस्ता, ये फूल जिसकी बॉन्डी हरी है और पत्तियां इसकी पीले कलर की है, इसका मतलब है कि ये हिंदुस्तान की दो कौमों के कलर हैं जो एक फूल में पैवस्त हैं। और मैं ये जिम्मेदारी के साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि आचार्य साहब ये फूल है, आपके जैसे लोग जब तक भारत में है ये फूल बिखर नहीं सकता, ना बॉडी अलग हो सकती है ना इसकी पत्तियां। और ये जिम्मेदारी आपके जैसे लोगों की बनती है, वरना कुछ लोगों ने तो और कलर पहन करके पता नहीं किसकी किसकी जातियां बताना शुरू कर दी। बताई ना, हमें नहीं पता कि भारत के 100 करोड़ लोगों को कितनी तकलीफ हुई उससे, लेकिन हम जानते हैं कि 35 करोड़ भारत का जो मुसलमान है उसे उस दिन तकलीफ हुई जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सबसे चहीते भक्त को दलित बताया गया था, हमें सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी उस दिन। लेकिन उस बताने वाले ने यह नहीं समझा कि रावण ने एक मर्तबा दलित उनकी जात पूछने की कोशिश की थी तो हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी थी। तुमने भी उनकी जात पूछने की हिमाकत की है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की लंका में आग लग चुकी, अब पूरे भारत की बारी है। यार ताईद ऐसे करोगे हमारी बात की? और ये 100 करोड़ नहीं, 125 करोड़ भारतीयों के लिए मैसेज है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और उम्र सारी कट चुकी है जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो उन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए।